लंबे काले घने लहराते बालों की ख्वाहिश किसे नहीं होती, और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं आज की ये रेमेडी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये 40 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज का पार्ट टू है, लेकिन आप इसे 7 डेज हेयर ग्रोथ चैलेंज की तरह भी ले सकते हैं। कंटिन्यूअस 7 दिनों तक इसे अप्लाई कीजिए और 7 दिनों के बाद सरप्राइजिंग रिजल्ट देखिए। रेमेडी इतना ईजी है कि आप देख कर चौंक जाएंगे, और रिजल्ट इतना कमाल का होगा कि उसे भी देख कर आप चौंक जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिंग लो। दिस इज मंजुला सिंह, यू ब्यूटी एक्सपर्ट। और देखते देखते हम नए साल में कदम रख चुके हैं, तो आप सबको नए साल की ढेर सारी बधाई। भगवान करे ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और आपके हर सपने पूरे हों जो आप हमेशा से देखते रहे हैं, और वो लक्ष्य आपको डेफिनेटली मिले जिसको आप आना चाहते हैं। तो ऐसी उम्मीद करते हुए, ऐसी आशा करते हुए कि आप सबको, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ तक कि नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमेशा खुश रहें और ये साल आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनकर आए। तो चलिए, नए साल में जब हम आ ही गए हैं तो नए साल में नए सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं। यानी साल ने आपको एक नया सीरीज दिया है, 40 डेज है वो चैलेंज, ये उसका पार्ट टू है। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, सेकेंड आपका रेमेडी कौन सा होगा, इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, इसको बनाना कैसे है। तो चलिए, रेमेडी बताने के पहले छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर प्रेस कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा, क्योंकि आप में से कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन आपके वीडियो के नहीं मिल रहे हैं। तो बेल आइकन डेफिनेटली प्रेस करें, उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और भी टाइम पे मिलेंगे, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेमेडी क्या है, उसको बनाना कैसे है और उसको अप्लाई किस तरीके से करना है। आंवला ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, और आप लोग मार्केट में कई तरह के आंवला ऑयल देखे होंगे, उसको लेते भी होंगे ये, लेकिन सबका फायदा उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि अगर आप DIY ऑयल बनाएं उसका फायदा होगा। तो मैं बहुत ही स्पेशल तरीके का आंवला ऑयल बताने जा रही हूँ। गूसबेरी का ऑयल है ये, देख लीजिए मैंने गूसबेरी पीस कर रखा हुआ है। ये 2 मीडियम साइज का गूसबेरी है जिसको मैंने पहले ग्रेट किया, उसके बाद ग्राइंड कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट इसका ऑयल में आ सके। तो अब चलिए अगला स्टेप दिखाती हूँ कि इस स्पेशल ऑयल को, इस आंवला ऑयल को बनाने के लिए आपको किस तरीके का प्रोसेस अप्लाई करना है और इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं। तो चलिए अब अपना हम आंवला ऑयल रेडी करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें ऐड करना है वो है ये कोकोनट ऑयल। आंच को बिल्कुल धीमा रखिए, नहीं तो ऑयल आपका खराब हो जाएगा। पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे, उसके बाद इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट जाएगा वो है फ्लैक्सीड, ये फ्लैक्सीड हम थोड़ा सा डाल देंगे। और उसके बाद जाएगा ये, देखिए ये हीरो ऑफ द इंग्रेडिएंट आंवला, हम सारा का सारा इसमें डाल देंगे। इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है, आंवला और ऑयल मिक्स होकर इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। इसको धीमे आंच पे आराम से आप इसको 5 मिनट तक कुक होने दें। एक टाइम पे आप देखेंगे कि ऑयल धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है और आंवले का कलर चेंज हो रहा है, तब आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आंवला ऑयल को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है ये आंवले का पाउडर। इसकी क्वांटिटी भी 2 टीस्पून होगी। तो अभी से ही आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। वैसे तो ये आंवले पाउडर की वजह से है, लेकिन अगर आप पाउडर नहीं भी डालेंगे तो इसका आंवले का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा और हम इसको कुक करेंगे, आँच परमानेंट आप धीमा रखिए, नहीं तो ये ऑयल आपका जल जाएगा या फिर इसके बेनिफिट चले जाएंगे। ऑलमोस्ट आपका हो गया है ऑयल, आप इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद स्ट्रेन कर दीजिए। इसमें अगर आंवले का पाउडर रह भी जाता है तो आपके बालों में कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए स्ट्रेनर जो है, या तो आप इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कीजिए या फिर कोई पतला सा जो मसलिन क्लॉथ होता है उससे भी आप स्ट्रेन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये देखिए हमारा आंवला ऑयल यानी ग्रीन गूसबेरी का, फ्रेश गूसबेरी का ऑयल रेडी है। इसको हमने स्ट्रेन भी कर लिया। आप अगर इस तरह के स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे तो हो सकता है आंवला के पाउडर भी जो हमने ऐड किया है वो इसमें आ जाए स्ट्रेन होकर। उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके लिए उतना ही फायदेमंद साबित होगा। तो ये देखिए हमारा आंवला ऑयल कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आंवला ऑयल आपका रेडी है, जो मार्केट के किसी भी आंवला ऑयल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है, सारी चीज़ें फ्रेश है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं। ये हमारा आंवला ऑयल कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसको बनाइए और अपने बालों को लंबे समय तक काला, घना और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाकर रखिए। इस आंवला ऑयल की खासियत मैं बता दूँ, इसमें हर वो कॉम्पोनेंट है, हर वो इन्ग्रीडियंट है जो आपके बालों की रिक्वायरमेंट होता है। फ्रेश गूसबेरी होता है वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसमें भरपूर एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है। अगर आपको ऐसे बाल चाहिए जिसमें आप कोई भी ऑयल या मास्क लाते हैं और उसका फ़ायदा मिले, इस ऑयल को ज़रूर यूज़
यूज़ कीजिए। मार्केट में बहुत सारे आंवला ऑयल मिलते हैं और उसमें अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक करेंगे तो उसमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होता है, फ्रेग्रेंस होता है। इस आंवला ऑयल में ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर है, ना फ्रेग्रेंस है, ना कोई प्रिजर्वेटिव है और इसमें आंवला की हर खूबी मौजूद है। तो बनाइए इस तेल को और अपने बालों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो देखा आपने ये रेमेडी कितना आसान था, बनाना जितना आसान है अप्लाई करना उतना ही आसान है, रिजल्ट उतना ही कमाल का आएगा। तो इस पूरे 40 डेज है वो चैलेंज में आपको इजी रेमेडी मिलेंगे। इजी रेमेडी होने का ये मतलब नहीं होता कि वो आपके बालों पे या स्किन पे इफेक्ट नहीं करेगा। एक सिंगल इंग्रेडिएंट में भी वो कैपेसिटी होती है कि वो आपके बालों को बेहद खूबसूरत बना सकता है, जैसे मेथी होता है या कलौंजी होता है, आंवला होता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश इस बार यही है कि आपको आसान आसान रेमेडी दिया जाए ताकि आपको बनाने में कोई मुश्किल ना हो और उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। तो अप्लाई कीजिए आज वाले रेमेडी को और उसका रिजल्ट क्या आया हमें जरूर बताइए। तो होप यू वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।